भारत की 130 करोड़ आबादी के पौष्टिक आधार का सबसे जरूरी उत्पादन है दाल। इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन IPGA और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO के अनुसार पूरे देश में लगभग 20 मिलियन टन दाल की हर साल जरूरत होती है। ये दाल खेत में उगने के बाद मिल में प्रोसेस होके बाजार में आती है। प्रोसेसिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्टेज वो होता है जहां दाल को सुखाया जाता है। दाल मिल में लकड़ी या डीजल जलाकर दाल को सुखाने का यह प्रोसेस सालों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता आया है। ना कि यह सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर इससे निकलने वाली राख और काला धुआं हमारे खाने तक भी पहुंच सकता है। आज भारत की कई लाखों दाल मिल्स इस प्रदूषण की प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं, और इस समस्या का समाधान निकाला स्टीमएक्स एनवायरोकेयर प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने। इस टेक्नोलॉजी का नाम है MREC, यानी मिनी रिन्यूएबल एनर्जी कंबस्टर। ये टेक्नोलॉजी प्रदूषण तो पूरी तरह खत्म करती ही है, साथ ही साथ ये दाल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी 30-40% तक कम करती है। आज कई दाल मिल्स इस सिस्टम का फायदा उठा रही हैं, तो आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसी दाल मिल्स में और जानते हैं उनकी राय। पहले ये लकड़ी से चल रहा था टायर, इससे क्या है धुआं होता था, आसपास के लोग परेशान था, वातावरण भी पर्यावरण भी बचाने हैं, टाइमिंग भी हमको ज़्यादा लगता था इसमें, तो इससे पोल्यूशन रुकता था हमारा काम, इससे क्या हमको कम छिलका लग रहा है, धुएं भी कम देता है, इससे क्या है हमारा टाइमिंग भी कम हो गया है। पहले लकड़ी में क्या 3 घंटे चला रहा था, अब इसमें 2 घंटे में चलता है, इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है मिल का। मैं पंकज थरानी, पार्टनर दुर्गा पल्सेस, लिंक रोड भाटापारा छत्तीसगढ़। पहले हमारे ड्रायर पे पुरानी टेक्नोलॉजी लगी हुई थी ड्रायर की, जो कि लकड़ी से चलता था। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये थी कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती जा रही थी लकड़ी की, और सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत थी वो इको फ्रेंडली नहीं था, वो हमारे एनवायरमेंट को हार्मफुल पहुंचा रहा था। तो जब हमने पता किया, सर्वे किया, तो हमको स्टीमएक्स के बारे में पता चला, उनकी स्टीमएक्स की MREC टेक्नोलॉजी, जो कि हमने पहले एक ड्रायर में फिट करवाया, जिससे हमको काफ़ी हद तक कॉस्ट कम हुआ हमारा, जो कि 25-35% कॉस्ट की रिडक्शन हुई, और सेकेंडली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मिला हमको, और टाइमिंग का इसलिए बेनिफिट मिला, जो कि पहले हम 3 घंटे में ड्रायर को गर्म करते थे, वो सीधा कट 1 आवर कट होकर 2 आवर्स पे आ गया, जो कि हमारे प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में काम आया। और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी लगी हमें, और हमने अपने मील के चारों ड्रायर पे ये टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया, और आप भी करें, इन्वायरमेंट को बचाएं, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है ये।